चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज नूपुर ने हमारे लिए लौकी का भुर्ता बना के भेजा है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया भुर्ता। देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी राम राम। मैं नूपुर मसाला पीठ में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आजकल लौकी बहुत आ रही है और कोई भी लौकी नहीं खाना चाहता है, ना बड़े ना बच्चे, तो आज हम बनाएंगे लौकी का बहुत ही स्वादिष्ट भुर्ता। अगर आप किसी को बिना बताए कि खा देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी का भरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने छोटी सी लौकी ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको पैन में या कुकर में उबाल लेंगे। तो कुछ थोड़ा सा पानी डाला मैंने, आधा ग्लास और आधा चम्मच नमक। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि लौकी का भरता है तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि लौकी का भरता बना है। जो बच्चे लौकी बिल्कुल नहीं खाते हैं, अगर आप उनको भी खिला देंगे बिना बताए तो ये खा लेंगे। लोहे की कढ़ाई में इसलिए भी बनाते हैं कि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। देखिए हमारी लौकी बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है। सबसे पहले हम डालते हैं तेल सरसों का। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में बनाया करें। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। थोड़ी सी बारीक कटी प्याज, लगभग दो छोटी प्याज हैं जो मैंने बारीक काट लिया था। हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। यह है लगभग दो छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ। एक बारीक कटी हुई मिर्ची, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, ऐसा भी आप यहाँ खाते हैं। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने लौकी में भी डाला था इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। और अब हमें डाल देंगे इसमें मैश करी हुई लौकी, अच्छे से मिक्स करना है। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी खटाई एक चम्मच, दो चम्मच के करीब मटर के दाने हैं, और यह है कुछ थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए हमारा लौकी का भरता बिल्कुल तैयार हो गया है। कुछ लोग इसको ऐसे ही खाते हैं और कुछ लोग भरते को थोड़ा स्मोकी फ्लेवर में खाते हैं, तो अभी हम इसको स्मोकी फ्लेवर देते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें रख देंगे एक कटोरी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जला हुआ कोयला और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी कोयले के ऊपर। इसको ढक देंगे। दोस्तों यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप भी नूपुर की तरह अपनी किसी रेसिपी का वीडियो हमसे शेयर करना चाहते हैं
तो चैनल पर नंबर नीचे दिया है, आप उस पर भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।